केड ये स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों अगर मैं आपको इस चैप्टर के नाम का मतलब समझाऊं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जितनी भी जीवित चीजें हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ भी जो चीजें हैं, और लिविंग मतलब जिंदा, जिंदा रहने वाली जितनी भी चीजें हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में रीड करते हैं और कुछ चीजें पढ़ते हैं इस चैप्टर से कि ये चैप्टर हमको किस किस तरीके की चीजें सिखाने वाले। हम रीड करेंगे और रीड करके समझेंगे कि चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। इंट्रोडक्शन। आर अर्थ कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत जो हमारी अर्थ है बच्चों, जिस धरती पे हम रहते हैं, इस पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें, कुछ चीजें जो है वो जिंदा है और कुछ चीजें जो है जिंदा नहीं है, कुछ चीजें लिविंग है कुछ चीजें नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अ बर्ड फ्लाइंग, जो बच्चों पंछी उड़ रहा है इन द स्काई इज अ लिविंग थिंग। जो बच्चों पंछी हवा में उड़ रहा है वो एक जिंदा चीज है। बट अ क्लाउड और अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई इज नॉट लिविंग थिंग। लेकिन बच्चों जो बादल है या फिर जो हम पतंग हवा में उड़ा रहे हैं वो जिंदा नहीं है। बट उसके बाद में बच्चों, ऑल ऑफ देम शो मोमेंट येट वन ऑफ देम इज लिविंग एंड अदर टू आर नॉन लिविंग। अब जो बच्चों दोनों चीजें वो क्या कर रही है, दोनों हवा में उड़ने का काम कर रही है। भले हम बात कर ले क्लाउड की, बात कर ले काइट की, बात कर ले या फिर हम एक चिड़िया की बात कर ले जो हवा में उड़ रही है, सारी चीजें जो वो हवा में उड़ जरूर रही है, सेम मोमेंट, एक ही तरीके का मोमेंट दिखा रही है कि वो हवा में इधर उधर उड़ रही है। लेकिन उसमें से क्या है, दो चीजें जो है वो जिंदा नहीं है, जो है काइट और बादल। लेकिन जो एक पंछी है वो एकदम जिंदा चीज है, जो आराम से अपने उड़ रहा है हवा में। अ चेयर एंड टेबल आर नॉन लिविंग थिंग। जो बच्चों चेयर टेबल है, जो चेयर टेबल कुर्सी और मेज होती है, वो एक निर्जीव चीज होती है, वो जिंदा नहीं होती है। उस दे कैन नॉट मूव अराउंड, वो एक दूसरे के मतलब वो हमारे आसपास घूम नहीं सकती, वो चल फिर नहीं सकती, वो जिंदा नहीं होती है। प्लांट ऑल्सो रिमेन एट वन प्लेस बट दे आर लिविंग। उसी जगह पे बच्चों जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो भी एक जगह पे बैठे रहते हैं, वो भी हिलते नहीं, वो भी हमारे आसपास नहीं आते, लेकिन वो एक जगह खड़े होने के बावजूद भी जिंदा है। लेकिन जो टेबल और चेयर है वो एक जगह पे है तो भी वो जिंदा नहीं है। प्लांट ऑल्सो रिमेन एट सेम प्लेस बट दे आर नॉट लिविंग। देयर फोर वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसी वजह से बच्चों हमको अच्छे से समझना पड़ेगा, कुछ एक अच्छी स्पेशल चीजें जाननी पड़ेंगी कि इस स्पेशल की स्पेशल चीज के देखते हम बता देंगे, अगर ये स्पेशल चीज इसमें ये है तो ये जिंदा है, और अगर ये चीज इसमें नहीं है तो ये जिंदा नहीं है। तो बच्चों हम यही चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद में बच्चों, थ्रू वी कैन एक्सप्लोर वेरी डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसकी मदद से बच्चों हम ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज जिंदा है, कौन सी चीज जिंदा नहीं है। देयर आर सिमिलैरिटीज, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म ऑफ मैटर एंड बोथ ऑफ देम कंसिस्ट अ स्ट्रक्चरल यूनिट। हर चीज जो बच्चों जिंदा भी है, जो जिंदा नहीं भी है, हर चीज एक मैटर से मिलके बनती है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर चीज एक मैटर से मिलके बनती है, और किसी ने हर चीज का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ ना कुछ हर चीज का आकार होता जरूर है, भले ही वो जिंदा हो या जिंदा ना हो। ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैटर, बोथ ऑफ देम कंसिस्ट स्ट्रक्चर यूनिट, सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो बच्चों सेल होता है, जो हमने सेल पढ़ा था, जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लिविंग चीजों का। द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। दीज सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ एटम। ये जो सेल्स होते हैं बच्चों, ये एटम की मदद से बनाए जाते हैं। येट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर फ्रॉम विच द नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मेड इज ऑल्सो एन एटम। जो बच्चों नॉन लिविंग थिंग होती है, जो निर्जीव चीज होती है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एटम, और वही दुनिया की सबसे छोटी चीज होती है।
All living things and non-living things contain weight and also of them occupy space. जो दोनों चीजें बच्चों living thing भी जगह घेरती है और have वजन भी होता है और जगह भी घेरती है और non-living thing जो होती है वो भी वजन भी उसमें भी होता है और वो भी जगह घेरती है तो इन सब बातों में तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं. Unless we learn about different features and distinctive characters of living things, जब तक बच्चों में special characters, special चीजें नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सी चीज जिंदा है कौन सी चीज जिंदा नहीं है. We may not differentiate between living and non-living things. Let us study more about the characteristic feature of the living thing. हम बच्चों जिंदा चीजों के बारे में और अच्छे से जानते हैं परखते हैं कि और जिंदा चीजें किस तरीके से हमको देखने को मिलती है. ठीक है बच्चों, characteristic of living things. All living things, बच्चों हम living things के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे. All living things, be a plant or animal, show some character which makes them different from the living things, non-living things. जो बच्चों जिंदा चीज है वो कुछ स्पेशल तरीके के कैरेक्टर्स दिखाती है, सिर्फ उन्हीं की वजह से वो निर्जीव चीजें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग दिखती है, अलग हमको पता चलता है कि ये चीज जिंदा है और ये चीज जिंदा नहीं है. दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो इसकी जो सारी बातें हैं जो हम जिससे हमको समझ में आता है कि जो चीज है वो जिंदा है या नहीं है या फिर कोई चीज है लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सारी चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे. थैंक यू.